आज हम आए हुए HRD के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया के कार्यालय पे, जहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक होली मनाई जा रही है। और ये जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, हर जगह से यहाँ आकर के बहुत ही शांतिपूर्वक फूलों की होली मना रहे हैं। और इन्होंने काफ़ी इंतजाम भी किया हुआ है। आज ये बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही खुशी का त्यौहार है। आप उसमें गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। होली का मतलब है कि इंसान का जो भी पुरानी दुश्मनी है, प्यार से उसको गले मिला जाए, भाई बहन कोई भी। होली का मतलब है प्रेम का संदेश। आज ये बहुत ही दूर दूर दराज से ये लोग आए हुए हैं, बहुत प्यार से होली मना रहे हैं, जो फूलों की होली मना रहे हैं। आपने देखा होगा रंग गुलाल की होली सब मनाते हैं। रंग गुलाल के साथ साथ पिंकी भैया के कार्यालय पे जहाँ फूलों की होली मना रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक दूर दराज से उनके कार्यकर्ता आए हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे, यहाँ कार्यकर्ताओं की एक बार पिक्चर दिखाएंगे, कितने अच्छे से उल्लास से मना रहे हैं। आपने तो बहुत शांतिपूर्वक हम लोग होली मना रहे हैं, और ये आपके सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो इसके बारे में आप, होली के बारे में आप क्या कहेंगे? होली मिलन समारोह हर हिंदू को जो है भव्य रूप से बनाना चाहिए, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है, इसे विधर्मी जेहादी कोई नहीं मनाता है, वो अपने ऊपर बिल्कुल भी रंग नहीं लगवाता है। और हिंदू एक ऐसे धर्म निरपेक्ष लोग हैं कि वो सभी के यहाँ आना जाना सब समझते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन कभी भी जेहादी मानसिकता के लोग, या मैं कह रहा हूँ क्रिश्चियन, ये कभी भी हमारा होली का जो पर्व है ये नहीं मनाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ सभी से कि इनको सभी चीज़ों को एक बार सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये हिंदू का एक ऐसा पर्व है कि इसमें जो भी हमारे साथ सम्मिलित हो दूसरे धर्म का, तब हिंदू को उसके साथ सम्मिलित होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। और जो भी हमारे रंग का विरोध कर रहा है उन सभी का बहिष्कार होना चाहिए। और जो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जिसको भी हमारी होली से, हमारे त्योहारों से परहेज है, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। रुको। हर साल होली आती है, कौन से मास में आती है, और इसका एक जनता के प्रति क्या वो है? देखिए, होली का जो त्यौहार है हमारा, ये हमारा जो त्यौहार है ना, ये मंगलमय त्यौहार है, है ना। और राम जी के आने पर अयोध्या में जिस प्रकार होली मनाई थी, है ना, और जितनी होली मनाई थी, उसी तरीके से सभी हिंदू भाई हम लोग राम जी के आगमन की प्रसन्नता में हर घर में होली मनाई जाती है। ठीक है, और बताओ। और भैया सीधी सी बात ये है कि हमारा कोई भी त्यौहार दूसरे समुदाय के लोग नहीं मनाते हैं और हमारे लोग उनके घर में जाते हैं। मैं उनसे सभी से कहना चाहता हूँ, त्यौहार अपने घर में अपने भाइयों के साथ मनाना चाहिए और ताकत के साथ मनाना चाहिए, और जेहादियों को अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए। और अब बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारा राम मंदिर बन रहा है, अब की बार तो हर हिंदू बहुत उत्साह के साथ होली मना रहा है। जय श्री राम। के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया के कार्यालय पे आज बहुत ही शांतिपूर्वक होली मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया है, जहां पर हमारे पुलिस के जवान मौजूद हैं। उनके सामने हम उनसे बात करना चाहते हैं कि यहां जो ये मिलन समारोह मनाया जा रहा है, होली मिलन समारोह, यहां पर आकर उन्होंने अपनी तैनाती को बहाल रखा है और वो ड्यूटी पर मौजूद हैं। यहाँ ये HRD के अध्यक्ष हैं पिंकी भैया जी, इनके यहाँ पर होली मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया है, तो यहाँ बहुत शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है।
तो उसके बारे में आप बताएंगे आपकी? बस शांति व्यवस्था के लिए हमारे लगाया गया यहाँ से, इससे कोई उपद्रव ही उपद्रव ना करे, किसी तरह का कोई झगड़ा वगैरह विवाद वगैरह ना हो। हाँ बस इसकी वजह से यहाँ पे लगाया गया आपको। तो अभी तक कोई प्रोग्राम हो रहा है जब तक 6 बजे चल रहा है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक। देखिए अभी हमने बात की है, बहुत ही शांतिपूर्वक बनाया जा रहा है और कोई भी किसी तरह का विवाद नहीं है, और बहुत ही ये शांति का प्रतीक है, एक मोहब्बत का संदेश देता है होली मिलन समारोह का प्रोग्राम।